भारत की धरती, पुण्य धरती, पवित्र धरती। भारतीय समाज सदा आभारी रहा है इस धरती पर पैदा होने वाले ऋषियों महर्षियों का, साथ साधु संतों का, ज्ञानियों और विद्वानों का, जिन्होंने समय समय पर यहां के मानव की सोई हुई आत्मा को झंझोड़कर जगाया और उसे अपने उद्धार का मार्ग दिखाया। आज इस धारावाहिक द्वारा हम अपने देश की संत परंपरा की पुष्प वाटिका में से आपका परिचय उस पुष्प से करवा रहे हैं जो उत्तर भारत के महान संत, धर्म, ज्ञान और साधना के अवतारी सत्पुरुष रहे हैं, जिन्होंने सभी को राम की भक्ति प्रदान कर आनंद दिया है। जगत गुरु की उपाधि से युक्त, भक्ति की शक्ति के पथ प्रदर्शक उस महानतम विभूति का नाम है जगत गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी। तो सुनिए, देखिए और अनुसरण कीजिए उस महान आत्मा के चरित्र कथन का। ये धरती महान संतों की धरती, जिनकी पद रज संकट हरती। बदल यहाँ आए, कभी राम कभी कृष्ण कहाए। ऋषिकेश में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। उन्हें जगत से वैराग्य हो गया और वो अपना सब कुछ त्याग कर बद्रीनाथ धाम में जाकर प्रभु श्री राम को पाने की इच्छा से तपस्या करने लगे। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। आंखें खोलो वत्स, तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ हूं वत्स। जो चाहे वो मांग लो, मैं तुम्हें वरदान के साथ मोक्ष मुक्ति भी दूंगा। आप कृपालु हैं रघुपति, परंतु
ना हमें मोक्ष चाहिए और ना मुक्ति, क्योंकि यदि हमें मोक्ष मुक्ति प्राप्त हो गए तो हम आपकी भक्ति कैसे कर सकेंगे प्रभु। हम आपका नाम स्मरण, आपका गुणगान कैसे करेंगे सीतापति? तो क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि जैसे आपने माता कौशल्या, पिता दशरथ इन्हें अपनी बाल लीला से मंत्रमुग्ध किया, उसी तरह हमें भी अपनी बाल लीला से मोहित करें। हम आपका बाल रूप देखना चाहते हैं जानकीनाथ। जो आनंद आपकी बाल लीला में है, जो आनंद आपके माता पिता बनने में है, वो आनंद मुक्ति में कहाँ है प्रभु? हम पर कृपा कीजिए रघुनाथ। आपके माता पिता बनने का भाग्य प्रदान कीजिए सियावर। तथास्तु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव हूं सुदर्शन। आपके अगले जन्म में मैं आपके यहाँ अवतार लूंगा। और आपको पुत्र सुख और बाल लीला का आनंद दूंगा। को करी तरग बढ़ावई साखा। प्रभु राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। श्री राम के दर्शन और वरदान से जन्म सफल हुआ, ऐसा सोचकर ब्राह्मण पति पत्नी ने अपना शरीर त्याग दिया। परंतु यही ब्राह्मण पति पत्नी ने तीर्थराज प्रयाग में फिर से जन्म लिया था। ये क्या कर रही हो? पुण्य सदन जी, हमने ईश्वर को तो कभी नहीं देखा है, परंतु इतना अवश्य जानते हैं कि आप ईश्वर का मानवीय चेहरा है। बहन, मैं तो ईश्वर का एक सामान्य सा भक्त हूँ। ये तो आपकी विशेषता है पुण्य सदन जी, आप कितने पुण्यशील हैं ये तो संपूर्ण प्रयाग जानता है। आपका आशीर्वाद ईश्वर का आशीर्वाद माना जाता है पुण्य सदन जी। हमारे बच्चे को आशीर्वाद देके इसका कल्याण कीजिए पुण्य सदन जी। आयुष्मान भव। अपने माता पिता, अपने परिवार की सेवा करना और समाज के लिए सदैव हित कार्य करना। ब्राह्मण नए जन्म में पुण्य सदन शर्मा बना था और उसके पत्नी इस जन्म में पुण्य सदन शर्मा की पत्नी बनी थी, सुशीला। सोमवती, क्या नाम रखा है बच्चे का? दीपक। बच्चा भी प्यारा है और नाम भी। वेणी माधव के मंदिर में जा रही हो ना? पहली बार नहीं, दूसरी बार। इसके पहले भी मंदिर में जाकर आई हो? नहीं। फिर से? मंदिर आने से पहले बच्चे को तुम्हारे पति देव पुण्य सदन जी के दर्शन जो कराए हैं मैंने।
बेचारी सुशीला। क्या हुआ पुणे सदन जी? और सुशीला के पास क्या नहीं है? धन दौलत सब कुछ है, फिर भी सुशीला कंगाल है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? सत्य कह रही हूँ, सुशीला अभी तक माँ नहीं बनी है ना, उसे संतान नहीं है। सुशीला, सुशीला जी। क्या हुआ, रो रही थी तुम? अपने भाग्य पर रो रही थी। अवश्य ही मैंने कोई पाप किए हैं, जिसके कारण मेरी कोख आज भी सूनी है। अरे, परंतु मैंने कभी कोई शिकायत की है क्या? हर नए जन्मे बच्चे को आपके आशीर्वाद देते हैं, अपने बच्चे को आप आशीर्वाद कब देंगे स्वामी? ईश्वर पर विश्वास रखो सुशीला, उन पर श्रद्धा रखो, क्योंकि ईश्वर की इच्छा पर ही सब कुछ निर्भर है। उनकी इच्छा हुई तो हमें अवश्य संतान होगी। दुखी है ना प्रभु? इसका कारण अज्ञान है सीते। मानव को अपने पुनर्जन्म के बारे में स्मरण नहीं रहता, इसीलिए सुशीला और पुण्य सदन अपने पिछले जन्म में मेरे दिए हुए वरदान को भूल चुके हैं। यदि ज्ञात होता तो पुत्र ना होने के कारण व्याकुल नहीं होते। क्योंकि स्वयं आप उनके घर अवतार लेने वाले हैं, यही ना प्रभु? आप उनके पुत्र बनकर उन्हें अपनी बाल लीला से आनंदित करने वाले हैं। तो आपके अवतार लेने का समय कब है प्रभु? शीघ्र ही सीते, परंतु मेरे इस अवतार में न मेरे पास धनुष होगा, न तरकश और न ही बाण। तो दशानन रावण जैसा कोई शत्रु भी इस कलयुग में नहीं होगा। लोगों का दुख, उनकी पीड़ा, उनकी मानसिक दुर्बलता, उनका अज्ञान, यही मेरे शत्रु होंगे। ईश्वरी शक्ति के प्रति बढ़ रही अनास्था, बहता हुआ अविश्वास, ये मेरे महाशत्रु होंगे। तो आप इन सब का विनाश कैसे करेंगे प्रभु? लोगों के दुखों को दूर करके, उनके अज्ञान को दूर करके, उनके हृदय में भक्ति की ज्योत जलाकर, बढ़ती हुई नास्तिकता को आस्तिकता में और अविश्वास को विश्वास की आस्था में बदलकर, कलयुग का प्रभाव रोकने के लिए मुझे समाज को जागृत करना होगा सीते। तो इस कार्य में आपकी सहायता कौन करेगा प्रभु? दक्षिणावर्ती शंख।
मेरी सहायता करेगा सीते? सागर हैं, फिर भी मुझ पर दया क्यों नहीं करते? आप करुणा कर रहे हैं, फिर भी मुझ पर करुणा क्यों नहीं करते? आप अपनी कृपा का प्रसाद मेरे आंचल पर कब दोगे प्रभु, कब? माते पुत्रवती हो, हे माते पुत्रवती हो। शीला को ईश्वरी साक्षात्कार हुआ है। स्वामी, स्वामी। क्या हुआ सुशीला, तुम्हारी ऐसी दशा क्यों? स्वामी, आ,
दक्षिणावर्ती शंख। सुशीला, ये दक्षिणावर्ती शंख है, शुभ लक्षण ही है। मुझसे ये शंख एक हाथ से नहीं उठा और तुम इसे आसानी से अपने आंचल में लपेट कर ले आई। तुम बड़ी भाग्यशाली हो सुशीला, जो तुम्हें ये दक्षिणावर्ती शंख मिला। मिला नहीं, भगवान ने दिया। पुण्य सदन जी, सुशीला को ईश्वरी साक्षात्कार प्राप्त हुआ है। यह दक्षिणावती ईश्वर का कृपा प्रसाद मिला है सुशीला को। मुझे दिव्य वाणी हुई कि हे माता, पुत्रवती हो। पुण्य सदन जी, आप जैसे भक्त के घर ईश्वरी जन्म लेंगे ना। प्रभु, हम पे अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना प्रभु। कलयुग में प्रभु के अवतार लेने का समय आ ही गया है। लेने को अवतार धरा पर हरि ने चुना सुशीला माँ का घर। पुंज का रूप बनाए सुशीला माँ के सन्मुख आए। भय से खुला मुख होश गवाया, तेज पुंज उर जाए समाया। स्वर्ग लोक से सुरगण सारे पुष्प वृष्टि कर जयति पुकारे। बधाई हो पुण्य सदन जी, सुशीला गर्भवती है। सुशीला, सुना तुमने सुशीला? नगर निवासी जन हर्षाए, गीत सभी आनंद के गाए।
प्रभु जी आन बसे हैं। सुशीला माँ के भाग्य जगे हैं। संतों के साथ रहने? अपने माता पिता के पास नहीं रहोगे? मैं हर सांसारिक बंधन छोड़ना चाहता हूँ। माँ आशीर्वाद दीजिए। मत जाओ पुत्र, मत जाओ। सुशीला, क्या हुआ सुशीला? तुम चिल्लाई क्यों? और ये तुम किसे जाने से रोक रही हो? हमारे पुत्र को। हमारे पुत्र को? वो हमें छोड़कर चला गया। माता पिता की ममता का बंधन तोड़कर चला गया वो। परंतु दरवाजा तो बंद है सुशीला। और दूसरी बात, तुमने पुत्र को अभी जन्म दिया नहीं है। तो फिर भला हमारा बच्चा हमें छोड़कर कैसे जा सकता है? इसका अर्थ मैंने सपना देखा। हाँ। सपने कहीं भविष्य के बारे में संकेत तो नहीं करते? सुशीला, तुम कहां से कहां चली आई? यदि सपने की तरह हमारा बच्चा भी हमें छोड़कर चला गया तो मैं सच कहती हूँ, मैं पल भर के लिए भी जीवित नहीं रहूंगी। मैं उसी वक्त अपना दम तोड़ दूंगी। नहीं सुशीला, ये तुम कैसी बहके बहके बातें कर रही हो? देखो सो जाओ। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माते। कल्याणमस्तु। कल्याण की आवश्यकता तो इस समय पृथ्वी लोक को है प्रभु। और अब आपके अवतार लेने का समय आ गया है प्रभु। पृथ्वी लोक का कल्याण कीजिए प्रभु, अवतार लीजिए। दुष्टों का दल बहुत बड़ा है। दुष्टों का दल बहुत बड़ा है। करो वेधि संहार। अब तो लो अवतार अब तो लो अवतार। अब तो लो अवतार दयानिधि। अब तो लो अवतार दयानिधि। अब तो आ जाओ, पूरा करो इकरार प्रभु। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अवतार लीजिए प्रभु। तथास्तु 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 तथास्तु। अवश्य ही भगवान भूमि पर अवतरित होने वाले हैं, इसीलिए तो सारी पृथ्वी आनंदित हो रही है।
भगवान के प्रकट होने के सभी शुभ शगुन होने वाले हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ चिर बिहारी। सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय गया मां। जय जय प्रभु प्रभु प्रभु। शिशु का रूप धराए हरि साक्षात भूमि पर आए। शब्द मुख से उच्चारा जन्मते ही ओंकार पुकारा।